तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैंने जो ऐलान किया था आज आप लोगों के साथ, मुझे एडीजी साहब के ऑफिस तक जाना था लेकिन रात लेट टाइम तक अधिकारियों से बातचीत चली, गुफ्तगू हुई। चूंकि दूसरे जोन का मामला है और एडीजी साहब भी इस वक्त छुट्टी पर हैं, रात तमाम बातचीत हो गई। अगर वक्त से यह सारी चीजें हो जाती तो शायद आज अखबार में भी वो बात आ जाती, लेकिन चूंकि लेट लाइन थी इसलिए अखबार में हम, लेकिन हमने अपने लोगों को अधिकारियों से बात होने के बाद जितना मुमकिन हो सका मैसेजेस के जरिए और टेलीफोन के जरिए हमने अपने लोगों को रोकने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं। आप लोगों तक हमारी इत्तला नहीं पहुंची, इसका हमें अफसोस है। आप लोगों को, आप लोग यहाँ आए हैं तो इसका पैगाम देना चाहूंगा और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों के जज्बे की वजह से अधिकारियों ने हमारी बात को तस्लीम किया है और ये बात तय हुई है कि एडीजी साहब को जुमेरात को आ जाएंगे। उसके बाद इस मामले में फैसला लिया जाएगा और जो मुमकिन मदद हो सकेगी इंशाल्लाह। गरीब नवाज का कुल है जुमे को, जुमे तक इंशाल्लाह फरहत जमाली साहब बने हो जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। तो जुमे तक के लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। मैं चाहता था कि जुमे से पहले ये काम हो जाए लेकिन चूंकि एडीजी साहब यहाँ मौजूद नहीं है और दूसरे लोगों का मामला है, इस वजह से मैं तो चाहूंगा कि कप्तान साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये अपने मुंह से इस बात को कहें। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, मैंने अधिकारियों से जो बातचीत हुई है, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन अफसरान की बातों पर मैंने भरोसा किया है और मुझे यकीन है कि मुझे जितनी यकीन दहानी कराई गई है उस पर अमल किया जाएगा और जुमे तक इंशाल्लाह फरहत जमाली साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से तासुब की बुनियाद पर या किसी और वजह से अगर इसमें किसी किस्म की कोताही होती है तो इंशाल्लाह आपको नहीं बुलाऊंगा, इंशाल्लाह तन्हा फिर को मैं जाके तन्हा गिरफ्तारी दूंगा और आपको इख्तियार देता हूं कि मेरी गिरफ्तारी के बाद आप लोग जो चाहो फैसला करना। ठीक है, बात समझ में आती है? अगर जुमे तक वो बाहर नहीं आते तो इंशाल्लाह हम दो दिन का और मौका देंगे और फिर को हम तन्हा गिरफ्तारी जाके देंगे, अपने साथियों के साथ देंगे। आप लोग उसके बाद आजाद हो, जो फैसला चाहो कर सकते हो। मेरी आप लोगों से तमाम से वो दरख्वास्त है कि जितने लोग भी आए हैं सब्र सुकून के साथ, अमन और शांति के साथ, बहुत एहतियात के साथ अपने घरों को वापस जाएं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं कप्तान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ तशरीफ लाए हैं तो हमारी जो अधिकारियों से बातचीत हुई है, जो हमें आश्वासन दिया गया है और जिसकी वजह से हमने आज की अपनी गिरफ्तारी को पोस्टपोन किया है, रद्द नहीं किया है, मुलतवी किया है, पीर तक के लिए हमने मुलतवी किया है। अगर जुमे तक वो आजाद हो जाते हैं तो इंशाल्लाह पीर को गिरफ्तारी नहीं दी जाएगी और अगर जुमे तक वो आजाद नहीं किए जाते तो पीर को इंशाल्लाह ये जो आज कल काम रखा गया था ये इंशाल्लाह पीर को दोबारा किया जाएगा। एक आजाद मुल्क जमहूरियत में सबको अपनी बात कहने का हक होता है, उसी में जो यहाँ पे लोग आए हैं अपनी कुछ बात रखने के लिए तो, लेकिन जिनसे मिलना था वो भी छुट्टी पर है, इसलिए जो बताया गया है कि कुछ दिनों के बाद जो समस्या है जो बात है उसको दोबारा किया जाएगा, उसके बाद फिर कोई निर्णय उसमें आगे लिया जाएगा। तो ये बात बताने के लिए यहाँ पे आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने अहले मोहल्ला से भी माजरत ख्वाह हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी वजह से या मेरे साथियों की वजह से किसी किस्म की दिक्कत महसूस हुई हो। मैं मोहल्ले में कभी इस किस्म के प्रोग्राम नहीं रखता हूँ लेकिन चूंकि गिरफ्तारी का ऐलान यह था और हमने कहीं भीड़ लगाना मुनासिब नहीं समझा था, सीधे हमें एडीजी साहब के ऑफिस जाना था, तो मोहल्ले में पहली बार इस किस्म का मामला हुआ है। कहीं किसी को तकलीफ पहुंची हो मेरी वजह से
जब तक महसूस हुई हो तो उसके लिए मैं माजर चाहता हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत एहतियात के साथ सब्र सुकून के साथ अपने घरों को वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।